हेलो फ्रेंड्स, आपका अभिरेक निकल में स्वागत है और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाऊँ जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई सा भी रेडमी डिवाइस है तो आप उसमें MIUI 9 का मॉडर्न कैमरा APK को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कैमरा APK है, तो आप इसको इंस्टॉल करके ज़रूर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको इंस्टॉल करने कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आपको उसको क्लिक करना है डाउनलोड करने के लिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अपना लिंक को पेस्ट करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पर अभी एक ऑप्शन आएगा कुछ इस तरह से यहाँ पर नीचे की तरफ कि आपको MIUI कैमरा APK को डाउनलोड करना है। नहीं, कुछ इसी तरह से आएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है, फिर आपका काम हो जाएगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलिए कैमरे की ऐप की तरफ चलते हैं। तो आपको कैमरा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जो कि मेरे हाथ में है MIUI कैमरा। तो जैसे कि अगर आप इससे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल सा MIUI के कैमरे की जैसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। मगर आप यहाँ पर अगर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मल MIUI कैमरा से बहुत ही ज़्यादा है। आपको यहाँ पैनोरामा मिलता है, टाइमर मिलता है, ऑडियो मिलता है, मैनुअल मोड इसमें मेन हाईलाइट है इस मॉडर्न कैमरे APK के MIUI 9 में। आपको यहाँ पर ब्यूटीफाई मिलता है, ग्रुप सेल्फीज मिलती है, टिल शिफ्ट, 1x1 का स्क्वायर एंड HSD। तो आपको यहाँ पर मैनुअल मोड बहुत ही अच्छी तरह वर्क करते हुए मिलता है, आपको ब्यूटीफाई मोड यहाँ पर मिलता है, और जो यहाँ पर ग्रुप सेल्फीज़ का ऑप्शन दिया है वो यहाँ पर फोर्स क्लोज हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर वर्क नहीं करता है, क्योंकि जहाँ से मैंने ये लिंक लिया वहाँ पर ऑलरेडी मैंशन था कि ये ऐप क्रैश हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 1x1 का स्क्वायर का मिलता है मोड, जैसे कि अगर आप अपनी DP शॉट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी ऑप्शन है ये। आपको सबसे मेन हाईलाइट यहाँ पर मिलती है मैनुअल मोड, जहाँ पर आपको वाइट बैलेंस, फोकस, एक्सपोजर टाइम एंड सेलेक्ट ISO के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मगर जो हमारा नॉर्मल कैमरा ऐप है MIUI का, उसमें आपको इतने ऑप्शन नहीं मिलते। जैसे अगर मैनुअल में क्लिक करते तो हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलते हैं जो कि वाइट बैलेंस एंड सेलेक्ट ISO, मगर हमें यहाँ पर फोकस और एक्सपोजर टाइम भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर हम इसके सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको भी यहाँ पर कुछ और ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एनहेंस लो लाइट फोटोज ऑटोमेटिकली, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको बाकी ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए इसके वीडियो सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जैसे कि हमने इस वीडियो में स्विच कर लिया है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है जो कि जिसको बोलते हैं ऑडियो फोकस। तो ये आपके ऑडियो से फोकस करेगा जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आपको यहाँ पर स्लो मोशन और टाइम लैप्स जैसे भी आपको नॉर्मल कैमरा UI में मिलता है। अब चलिए यहाँ पर वीडियो में देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है वीडियो क्वालिटी सेट करने का ऑप्शन जो कि 4K में भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियोस भी शूट करी है, और अगर आपको यकीन नहीं होता कि आपकी वीडियो ऑलरेडी 4K में शूट हो चुकी है तो आप अपने वीडियोस पे जहाँ पर आपने शूट करी है गैलरी में जाकर उस वीडियो की डिटेल दे सकते हैं, आपको 4K का रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर फोकस मोड मिलता है, बस यही चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आपके पास रेडमी नोट 4 है तो शायद आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक मॉडर्न कैमरा APK था MIUI 9 कैमरा ऐप का, जो कि बहुत ही बढ़िया ऐप, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।